उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आलू का समर्थन मूल्य 650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने के बाद आलू पर सियासत छिड़ गई है। जहां आलू मूल्य को लेकर सपा योगी सरकार को घेरने में लगी है, अब आलू मूल्य को लेकर किसानों के द्वारा उठ रहे सवालों पर यूपी के मंत्री से सवाल पूछा गया तो वो सीधा विपक्ष को इसे साजिश के तौर पर बताने लगे। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भाव में अंतर है तो सरकार खुद खरीदेगी, लेकिन बिचौलियों को भाव में गड़बड़ी नहीं करने देगी। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत बिचौलिया हावी नहीं हो सकेगा। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने अविनाश ने मंत्री जी से खास बातचीत किया, ये सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे साथ मंत्री मौजूद है दिनेश प्रताप सिंह। सर, जिस तरीके से आलू खरीद को लेकर विपक्ष भी तमाम तरीके के आरोप लगा रही है, 600 रुपए का 50 रुपए का जो मूल्य रखा गया, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि आपने आज प्रेस वार्ता की है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आलू का मूल्य निर्धारण 650 रुपए प्रति क्विंटल नहीं किया गया है। आलू आज भी अन्य तमाम जनपदों में 800 रुपए के आसपास भी बिक रहा है। अगर सरकार 650 रुपए निर्धारित किए होती तो 800 रुपए कैसे उत्तर प्रदेश में बिक रहा होता, ये समझने की बात है। 650 रुपए खाली मूल्य गिरने न पाए, मार्केट का आलू मूल्य स्थिर रहे, इसके लिए CPRI भारत सरकार और राज्य सरकार ने निर्णय लेकर के ये कहा है कि जहां इससे नीचे दरें जाने लगेंगी, राज्य सरकार वहां का आलू 650 रुपए में खरीद करके किसानों का अहित होने से बचाने का काम करेगा, ना कि ये दरें हैं। आपने कहा जिस तरीके से आलू खरीद को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और लगातार विपक्ष जो है इस पर कई तरीके का आरोप लगा रहा है, इसको कैसे समझाएंगे किसान? नहीं, किसान तो समझ रहा है। किसान ने कब कहा आपसे करके हमको कोई संकट है? राजनीतिक लोगों ने ही चर्चा की है, राजनीतिक लोग ही चाहते हैं, और वो लोग चाहते हैं जिनकी सरकारों में आलू किसान बर्बाद हुआ था, आज भी वो प्रयास कर रहे हैं कि कुछ कोल्ड स्टोर उनके जो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित कुछ कोल्ड स्टोर मालिक हैं वो दुष्प्रचार फैला रहे हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए उद्यान विभाग ने हर कोल्ड स्टोर पर एक अधिकारी अपना तैनात कर दिया है। वो भी चाहें तो अब गलती नहीं कर सकते हैं। उनको हर हालत में उत्तर प्रदेश के किसानों का आलू रखना होगा, ये व्यवस्था राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। तो ये हमारे साथ जो है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, इनका साफ तौर पर कहना था कि आलू खरीद को लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष जो है तमाम तरीके के भ्रम फैला रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए तमाम तरीके के कार्य कर रही है। लखनऊ से MK न्यूज के लिए अविनाश।